आंखों की काजल, कान के कुंडल, नाक के नोतनी, होंठ की लाली और चेहरे पे पाउडर लगा रहे हो ना, मस्तक पे ताज, मस्तक पे तिलक, सिर के ताज, मस्तक पे तिलक, सिर पे ताज, हाथ में कंगन, पैरों में पायल और शरीर में वस्त्र, वस्त्र तो पहन लो फरिश्ता लोग की ड्रेस। तो इन सभी अलंकार को कैसे हम जब धारण करेंगे तभी हमारा फरिश्ता स्वरूप काम करेगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बातें हैं, शायद ऐसी बात सुनी होगी जो आज क्लास होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग और भी मजा आएगा दिन में। कैसे सीढ़ी ला रहे पता है थोड़ा? हाँ जी बोलो, भले सिर कैसे मिलाओ कोई बात नहीं, हाँ जी बोलो, हाँ जी बहुत अच्छा, क्योंकि हाँ जी का पाठ पक्का करके देखो, दादी जी हमारी दादी जी बन गए। तो इसी तरीके से आगे भी बाप समान बनने के लिए कौन सी बातों में हाँ जी करना वो भी समझना चाहिए। सफलता पानी है, आगे बढ़ना है, सबको सुख देना है, दुख देना है, फरिश्ता बनना है, सफलता पानी है, थप्पड़ मारनी है, नेगेटिव कर्म नहीं करना है, योग करना है, बाबा की घर में सेवा करनी है, टाइम नहीं देना है, नहीं। वो समझ के हमें ज्ञान को कहां कैसे समझ लो, युद्ध भूमि पर हो, कहां हो आपके पास चाकू भी है, तलवार भी है, बंदूक भी है ना, ढाल भी है, सामने वाला बड़ा सा तलवार चला रहा है, आप छोटी सी चाकू ले कैसे करोगे? कौन सी अस्त्र किस समय यूज करना चाहिए वो भी समझना चाहिए। कि उदाहरण मैंने एक राजयोगी को, मैं कौन हूँ, मजा आया सबको, कितना सच में है ना, ऐसे ही हंसते हंसते घर को जाना है या सीरियस होके जाना है? नहीं नहीं, अब तो परेशान जाने लगा, हंसना नहीं, दांत भी नहीं दिखना चाहिए, मुस्कुरा। बाबा सिर्फ कहते हैं मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, तो खेल में फूल मन के अभी तपस्या करनी है, 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 मुझे तपस्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है। बोलना तो है, सिर्फ बोलना भी नहीं करना भी है। एक घंटा, एक जगह, एक संकल्प, एक समय, ठीक है? सब समझ आ गया जो बताया? एक घंटा, एक घंटा माना 55 मिनट नहीं। एक बहन कहती है भाई साहब मैंने बहुत अच्छा योग किया, मैंने कितना दिन, 17 दिन हो गया, मैंने कितना समय दिया? बोला 4 बजे बैठती हूँ, 4:55 में उठ जाती हूँ। मैंने कहा ये तो एक घंटा नहीं हुआ। बोला आपने कहा था एक घंटा माना क्या एक घंटा? मैंने कहा एक घंटा माने क्या 55 मिनट? आज 55 मिनट करोगे, कल 10 मिनट करोगे, कल कहो कितने रहने दो कोई बात नहीं। एक घंटा माना समय से पहले बैठना, समय के बाद में उठना। ऐसे नहीं एक सेकंड आज ज्यादा हो गया तो क्या काम, कल से शुरू करना फिर से। तो सोच लो सिद्धि स्वरूप बाप समान बनने के लिए कितनी तपस्या करनी है, कितनी गुणों को, कितनी शक्तियों को अपने अंदर भरना है, ठीक है? करेंगे? बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति।
अपना कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। शाम के ट्रेंड में वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। रमेश भाई के लिए, दादी जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर उद्गार लाए हैं, जरूर दो शब्द में अपना सुनाए। ओम शांति। जो दो तीन दिन हम अभी भट्टी में रहे, दो दिन, उसी से कुछ अनुभव निकाल करके और जो ऐसे प्रोग्राम हमारे बीच में दादी जी करवाती रहती हैं, पिछले कुछ महीनों से हम लोग लगातार ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन भाई जी का विशेष प्रोग्राम से जो हमें विशेष प्रेरणा मिली उस पर भी कुछ लिखा है और अपनी प्यारी मीठी दादी जी के लिए भी चार लाइनें लिखी हैं। प्रभु ज्ञान की गोदावरी में ज्ञान की लिपालना, प्रभु ज्ञान की गोदावरी में ज्ञान की लिपालना, सीखा कटीली झाड़ियों से पुष्प चुन निकालना। अभी थोड़ा ही सीखा है दादी जी अपने अनुभव हमको, यहाँ जब भी मैं क्लास करने आता हूँ तो शेयर करती हैं कि कैसे कैसे परिस्थितियां हुई और उनमें कैसे हम निकले। तो प्रभु ज्ञान की गोदावरी में ज्ञान की लिपालना, सीखा कटीली झाड़ियों से पुष्प चुन निकालना, मुस्कुराहट और खुशी ये आपकी पहचान है, आप दादी इस तपोवन की सुरीली शान है। और जो भाई जी ने दो दिन में फरिश्ता बना दिया, तो कैसे बनाया और उसको पंक्तियों में गढ़ा है तो उसको अपने अंदाज में शेयर करते हैं आपसे कि खुदा का नूर बन करके पधारे हो तपोवन में, खुदा का नूर बन करके पधारे हो तपोवन में, मधुर वाणी किसान हो जो आए हो मेरे मन में, मधुर वाणी किसान हो जो आए हो मेरे मन में, फरिश्ता रूप की छवि जो दिखाई आपने हमको, उसी छवि को उतारे के सभी हम अपने जीवन में, उसी छवि को उतारे के सभी हम अपने जीवन में। और भाई जी ने बार बार मैं देखता हूँ कि दो दिन से जैसे ही थोड़ा सा मुंह चेहरा डाउन होता है तुरंत माताओं खिलाते रहते हैं चेहरा को, तो उस पर लिखा है कि मधुर मुस्कान है गहना यही है आपका कहना, मधुर मुस्कान है गहना यही है आपका कहना, भले चाहे जहां रहना सदा हंसते हुए रहना, भले चाहे जहां रहना सदा हंसते हुए रहना, कोई डर हो नहीं सकता, कोई डर हो नहीं सकता फरिश्ता रो नहीं सकता, कोई डर हो नहीं सकता फरिश्ता रो नहीं सकता, प्रभु को याद करके बिन हंसे वो सो नहीं सकता, प्रभु को याद करके बिन हंसे वो सो नहीं सकता। और परिस्थितियां तो आएंगी क्योंकि हम तो तीसरे जन्म के विकर्म लिए हुए हैं, लेकिन विधि, विधियों से फिर कैसे निकलना वो भी सब ज्ञान दिया भाई जी ने, समझ दी। तो कोई तकलीफ भी आए, अब कोई तकलीफ भी आए तो हंसकर भूल जाते हैं, कोई तकलीफ जो आए तो हंसकर भूल जाते हैं, प्रभु यादों के झूले में वो फिर से झूल जाते हैं, प्रभु यादों के झूले में वो फिर से झूल जाते हैं, कोई भी बात में उनकी मुस्कुराहट कम नहीं हो
होती कोई भी बात में उनकी मुस्कुराहट कम नहीं होती। फरिश्ते खुशनुमा रहते हैं भाई जी बताते हैं, फरिश्ते खुशनुमा रहते हैं भाई जी बताते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां हैं, फरिश्तों का चेहरा कैसा हो, मस्तक कैसा हो, नूर आंखों से छलकता है, सब बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान दिया भाई जी ने, समझती और कैसे चलना है, कैसे क्या करना है सब बताया। तो उस पर चार पंक्तियां हैं अंतिम कि भाई जी आपने हमको बताया कैसे चलना है, भाई जी आपने हमको बताया कैसे चलना है, आज ही से फरिश्ता रूप में हमको बिढ़लना है, आज ही से फरिश्ता रूप में हमको बिढ़लना है। तोड़ कर सारे बंधन हमको भी आगे निकलना है, तोड़ कर सारे बंधन हमको भी आगे निकलना है, कि दुनिया को संभाले और खुद हमको संभलना है।